यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी के हापुड़ के नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार की वजह से तीन वाहनों की आपस में भिड़ंत होगी। बताया जा रहा है कि रफ्तार इतनी तेज थी इन गाड़ियों की कि इतना जोरदार एक्सीडेंट हुआ और कैंटर के पीछे से आ रही एक कार भी दोनों वाहनों से भिड़ गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रक में घुसे दोनों वाहनों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कई की हालत गंभीर भी बनी हुई है। घायलों को सहायता करने के लिए ग्रामीणों ने उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, भर्ती कराया गया है। अस्पताल में बताया जा रहा है कि कैंटर चालक आधे घंटे तक कैंटर में ही तड़पता रहा, जिसको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटर से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पांच सात गाड़ी टकराई है आपस में और ये चार दिन से हाईवे पे पुल के ऊपर ये ट्रक खड़ा है, ये आज तक किसी ने नहीं हटवाया। लापरवाही पुलिस की और प्रशासन की है। एक घंटा एक्सीडेंट को हो चुका है और ये ट्रक जो है चार पांच दिन से यहीं खड़ा है, प्रशासन का बिल्कुल भी वो नहीं है। आज भी चार पांच गाड़ी एक्सीडेंट हुई है और जो है चार पांच ऐसे जख्मी घायल हुए हैं जिनकी बचने की भी आसार नहीं है। एक को अभी ले गए हैं जिनकी टांग बिल्कुल अलग है और गांव का पूरा सहयोग होने के बाद ट्रैक्टर ट्रोली सब चीज से लाया गया, गाड़ी पाड़ियों को जैसे भी उसको निकाला है और ये गाड़ी ट्रक जो है चार दिन से हाईवे NH 24 पर खड़ा है।